बंद कर स्यापा। पेड़ा तरे एनी कड़वी चा सारा दूध आप पी गई है की वहां कल्चनानी सरला बहन जी की हाल चाल। मम्मा प्लीज धीरे बोलो। चुप कर जा, कल दा जमया मैनू सिखांदा पया, जा अपना काम कर। हां जी बहन जी। ना मैं बिल्कुल ठीक हां, बस हले कार सेट करके फ्री होई सी, नाले तुहानू याद ही करदी पई सी, तुहाडा फोन आ गया। हां कार ठीक है, तुहानू तो पता ही हैगा बंबई दे कार किहो जे आउंदे ने। बहन जी इत्थे लोकां दे बेडरूम साडे बाथरूम वर्गे हैगे ने। हां नाले भैन जी मैं पूरी तरह ब्लाउज भी नहीं पा सकती, अद्धी बाजू तो मेरी बाहर रह जाती है। नाले भैन जी घर के चारों तरफ इन्ने जंगले लगाए हुए ने लोगों ने, इंज लगता तुसी आप चिड़िया घर च बह गए हो। ओई ते हाँ हाँ हाँ, ले माता दे मंदिर में गई सी भैन जी, थले ही हैगा सोसाइटी दे, इन्नी सोहनी मूर्ति हैगी है, मैं तुहानू की दसा, इन्ना मन रज गया मेरा। नाले भैन जी मैनू ना एक इत्थे बेस्ट फ्रेंड भी मिल गया है। हाय हाय भैन जी, तुसी क्यों इमोशनल होंदे पए हो, तुहाडी कोई जगह लै सकदा है, क्यों जी गल्लां करदे पए हो। भैन जी तुसी मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आ गए हो, BFF ते ओ मेरे BMF आ गए ने, बेस्ट मुंबई फ्रेंड। हाँ ते फिर अगे सुनो ना, ते भैन जी जद मैं मंदिर च वड़ी ना, उत्थे एक आदमी ना साड़ी उम्र दा ही रोंदा पिया सी, ना ना रौला नहीं पांदा पिया सी, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड रोंदा पिया सी, जेंटलमैन वर्गा है। भैन जी तुहानू ते मालूम ही है मेरी सैवंथ सेंस किन्नी स्ट्रोंग हैगी है, उन्हां दे आंसू वेख के मैं समझ गई सी भैन जी ए नूह दे सताए आंसू अगे ने। हाँ ते फिर चौकीदार ने मैनू दसिया ए अगे ने किशोरी लाल जी ते मंदिर दे प्रेसिडेंट अगे ने, ते सारा टाइम मंदिर च ही रहंदे ने। हाँ ते भैन जी फिर मैनू ना एक आइडिया आया, भैन जी फिर मैं ना अगले दिन उत्थे ही पहुंच गई मंदिर च, ते मैं अपनी की मधुबाला वाली एक्टिंग करी उत्थे। ओए मैं मर गई माता रानी, तू कद मेरे बेड़े नू बनने बनने लगाएगी, मेरी ती जिंदगी खराब हो गई, मैं मर जावांगी। भैन जी तुसी रो ना, तेरो भैन जी मेरी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देख के वो घबरा गए, उन्होंने फिर पूछ ही लिता कि होया की है। भैन जी मैं उसे टाइम अपनी नूह की बुराई शुरू कर दी, वो सुन के भैन जी उन्होंने अपनी नूह की बुराइयां शुरू कर दी, नाले इन्नी बुराई की कि मेरे कलेजे नू ठंड पै गई। मैं कहनी हां भरा जी, ए वर्ल्ड की सब तो वड्डी बीमारी ना कैंसर होंदी है और ना ही चिकनगुनिया, ए होंदी है नूह, NUU। ए ने के सास सहुरे की कोई सेवा ही कर लै, वैसे तुहाडी वोटी कित्थे हैगी है। निर्मल निर्मल ते हुण गुजरे 4 साल हो गए ने, लेकिन भैन जी इन्ना स्लो बोलते ने कि 2G नेटवर्क भी इन्ना तो फास्ट चलता है, लेकिन मेरी उन्ना ते नाल पक्की बन गई है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ MBA ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। MBA ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ MBA ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਪੰਮੀ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਏ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਾਰਜਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਾਰਜਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਕਲੀ ਜਾਰਜਟ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਬਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾੜੀ ਘੁਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੇਟੀ ਕੋਟ ਦੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੇਡ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ MBA ਵਰਗੀ ਵਾਈਬਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ? ਕਿਆ ਹੈ ਆਂਟੀ, इतना सकाड़ी सकाड़ी तुम चिल्लन चिल्ली काई को करती है? तुम्हारी उम्र के अंदर भजन कीर्तन सुनने का, तुमको भी चैन मिलेगा और मेरे को भी, लगा के दू क्या? तू गल किवें करनी पई है मेरे नाल? तू मेरे घर च काम करनी है या मैं तेरे घर च काम करनी है? नाले एक ही सुखे चावल दे दाने बनाए ने,
शांति एक गाल अपने पल्ले बांध ले, भैया सुबह परौठे खाते और मैं पूड़ी, खबरदार दोबारा कदी मेरे नाल तू एहो जा औखा बोली तू, समझ आई है? आंटी तुमने अभी क्या बोला मेरे को एक टका नहीं समझ आया, और ऐसे कैसे तुमको मेरे हाथ का कांदे पोहे नहीं पसंद आया, वो देखो भाऊ कितने मजे से खा रहा है। भाऊ अच्छा लगा ना आंकिन पाई जे? ये देखो MBA तो भी चार कदम अग्गे अग्गी है, MBBS वहाँ बदतमीज भाई है शांति। आंटी एक बात पूछूं, तुमको अपने से बात करने का बीमारी है क्या? नहीं नहीं अगर है तो बताओ, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र के अंदर कई बुड्ढे लोगों को ऐसा होता है, मैंने देखा है। बुड्ढा किन्नू कह रही है तू? अच्छा गावत एक तरह इकत नहीं आने मदे ही मिलती है। आंटी मैं वैसे किसी को फ्री में ट्रायल देती नहीं है, वो तो सात माले के किशोरीलाल अंकल ने बोला तो मैं यहाँ पर आई। मैं इस बिल्डिंग की टॉप की बाई है, मंजे बाई की दुनिया की मैं बाहुबली है, वो बात अलग है कि मेरा काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। चलो अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले। इंटरव्यू मैं तेरा लवांगी या तू मेरा लवेंगी? तू मैनू जानती नहीं, मैं कौन आ गया? पंजाबी बाग दी लेडीज किट्टी दी मैं बाहुबली आ गया। एक तो तू हर बार बीच में बोलती है, जब मैं बात कर रही हूँ पहले मेरे को तो सुन ले। आंटी पहले तुम अपना फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम मुझको दिखाओ, जिसके 1000 फॉलोअर से कम होते हैं मैं उसके घर में काम ही नहीं करती। ले चेक कर ले, 86K फॉलोअर ने मेरे गिन ले, देख कितनी हम्बल लगी है मैं। वेरी गुड, मेरे भी 90K फॉलोअर हैं। बिल्डिंग की सारी सेलिब्रिटी मेरे साथ ही फोटो भी खिंचवाती है, उनका कोई नया सीरियल आता है या पिक्चर आता है मेरे से ही रीपोस्ट करवाते हैं और ट्वीट भी करवाते हैं। कपिल शर्मा से ज्यादा तो मैं लेती है प्रमोशन का पैसा। हाय मैं सदके जावा, तू मैनू बेवकूफ बना रही है मेरे ही घर च। मैं अपनी जिंदगी च 135 माइया नु कट चुकी हूं, ते बॉम्बे दी माइया केड़ी खेत दी मूली हैगी ने। दिल्ली के लोग तो होते ही चालू है, पर मैं पक्की मराठी मानुस, हरा बोलती है आनी मनाची सांगली। ये देखो सारी सेलिब्रिटी के साथ मेरी फोटो ला बखा। हाय मैं मर गई। एकता कपूर, एकता दे कार भी काम करनी है तू? तो क्या है मस्त भूल गया है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती है। कहनी मैनू तो बिल्कुल खास नहीं लगती, इन्हें भेड़े जे शो बना दी है, कभी कोई नागिन बन जाती है, कभी कोई कुत्ता बन जाता है, मैं तो देखती नहीं। किन्ने साल तक तो मेरे पीछे पई रही, कहती आंटी एक्टिंग कर लो मेरे शो से, वो मम्मी का फोन आंदा सी शोभा मेरी फ्रेंड है। मैं क्या चलो सोचांगी जे टाइम मिलेगा तो। किशोरी लाल भरा जी आओ 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 जी आया नू, बैठो बैठो। अरे मालक चाह, शांति किशोरी लाल जी आए ने चाह बना। ओहो कितनी बार पिएगी, अभी तो पी, मैं दोबारा चाह पी लांगी ते तेरी माँ मर जाएगी, जा जाके चाह बना। पहले आंटी मैं वाईफाई का पासवर्ड लेगी। मैं सच्ची दसा भरा जी, ए मेड ते मजबूरी आदमी को लो कुछ भी करा सकती है। टिम्मी एनू जरा वाईफाई दा पासवर्ड दस। मम्मी इरिटेट मत करो। ए, मैं की कर रही हूं? अरे मम्मी इरिटेट मत करो, ये पासवर्ड है यार। पासवर्ड है भैन जी, ऐसे बच्चे है ने छेड़ो है कलना। भाऊ मम्मी कैप्स में है ना? ये शांति हो, मैं सच्ची दसा भरा जी, ए बाइया चार सेल्फियां केड़ी खींच लेंदियां ने, अपने आप नु सेलिब्रिटी समझ लेंदियां ने। सही कह रहे हो भैन जी तुसी, खैर छेड़ो है हो जी गल्लां नु। एक मिनट शांति, ओ की कहंदे ने मेरी ना इलाची वाली चाह बनाई, ठीक है? शांति हुन तैनू शांति मिल गई, पासवर्ड मिल गया, हुन जा का अदरक वाली चाह बना दे, नाले दूध जरूर पाई, ऐदा कुछ पता नहीं हुंदा। ते जे कड़ी पत्ता पाया ना मैं तेरी टंगा तोड़ दांगी। हो चला बहन जी, तुहानू मालूम होगा आज की होया। आंटी अब मैं आखिरी बार समझा रही है, ये कांदा, ये बटाटा, इसे कलिंगड़ बोलते हैं, और ये दूधी, समझा? ए किहो जे ना आगे ने दूधी। आंटी ये मराठी लैंड है, यहाँ पर मराठी मानुस का ही चलता है, मैं तो यही बोलेगी तुम भी सीख लो। देख शांति मेरे घर से तू मैनू ना सिखा, नहीं तो ऐसे ही हो जानी तेरी बैटल ऑफ कलिंगड़। आंटी अनीता दीदी कैसी है तू? किधर है तू? पहले अंदर तो आओ। हाय मैं मर गई, शकुन है थे।
शांति तू यहाँ है? मैंने तेरे सारे अकाउंट्स चेक किए, तूने चेक इन क्यों नहीं किया? भाई मैंने ते आईडिया ही नहीं अकासी कि शगुन इतनी रहती है। आंटी जी शगुन नहीं, अनीता। क्या बात है ना कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कटका मार रही है। क्या मंजे सोशल मीडिया क्लींजिंग? लिसन प्लीज, तू हाल फिलहाल कुछ भी क्लींजिंग वेंजिंग मत करना। मेरे हस्बैंड का ना द बैग टॉक लॉन्च हो रहा है और उसमें मेरे रेंज के भी बैग्स हैं, AHR रेंज ऑफ बैग्स, और बहुत ही अच्छे। मैं चाहती हूँ कि तू उसे सोशल मीडिया पे अच्छे से प्रमोट करे। हूँ अब तो इतना कह रही है तो मना थोड़ी करेगी मैं। बैग दी रेंज, मैनू तो लग गया सी तू एक्ट्रेस अगली है। क्यों दीदी, दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती क्या? एक्चुअली आंटी आई लव बैग्स, तो क्यों ना इसके जरिए यू नो मैं अपने पैशन को शेयर करूं। ओ सब तो ठीक है कि एकता तैनू पैसे नहीं देंदी जेडे तू होर दूजे काम करनी पई है। आंटी करण जौहर फिल्में बनाता है और टॉक शो करता है, सोनाक्षी सिन्हा भी एक्टिंग करती है और जगह जगह जज बनती है, यहाँ पर सब दो दो बिजनेस करते हैं, यहाँ पर ऐसा ही चलता है ना दीदी? हाँ इनफैक्ट सारे सेलिब्रिटीज के पास मेरे रेंज की ही बैग्स हैं, आपको भी दिखाऊं? ए शगन घर घर जाके बैग बेच दिए, मैं तो कभी सपने च सोच भी नहीं सकती सी। इनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझको सब मालूम है। आंटी जी हैव अ लुक नाउ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की देखो। खैर तुसी ए छड्डो, शगुन तू मैनू ऐ दस सीरियल च अग्गे की होण वाले है, नाले तू एना औखा क्यों बोलनी है इशिता नू? आंटी तुम तो कह रही थी तुम यहाँ का सीरियल देखती ही नहीं है। नहीं वो तो मैं वो प्रैक्टिस करन लई करदी पई सी, मैं ऑडिशन देना है ना। आर यू ऑडिशनिंग फॉर अ सीरियल आंटी? हाँ नागिन पार्ट 3, ओदे च मैं ना लीड रोल कर रही हूँ। आप नागिन बने हो? नहीं नहीं नागिन दी सास। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ना पैसों की गल ना पहले ही शोभा नाल कर ला, कल नु ऐ ना होए मैनू भी छोले भटूरे दा स्टॉल लगाना पै जाए, है ना? नहीं नहीं आंटी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एकता हमें ट्रिप के लिए ले गई थी। किथे? हांगकांग। हाय हाय ए अपना हांगकांग, ओते जी की वड्डी गल लगी है, ओ ते मेरी रोहतक वाली नाना दबी हो आई है जेडी एनी गरीबड़ी जई हगी है। आंटी मो मैं तुम्हें क्या समझा रही है, जद दो सेलिब्रिटीयां गल कर रिया हो ना ते माइयां विचो नहीं बोल दियां, तुम कब से सेलिब्रिटी हो गई? रिलैक्स रिलैक्स मो, एक्चुअली मुझे जाना है शूट के लिए, लेट हो रहा है, और तू ना चेक इन करना मत भूलिए। चलो दीदी ये तुम्हारी क्लास की है भी नहीं। बाय बाय चिल्ली रे। बहन जी मैं हमेशा सुनिया सी कि एकता कपूर पैसे नहीं देंदी, आज वेख भी लिता जिन्हां नू पैसे नहीं देंदी उन्हां नू चीप चीप ट्रिप करवांदी है। भैन जी मैनू तो अपनी फिक्र पै गई है, मैनू कित्थे लैके जाएगी है। नाला सुपारा ए कलिंगड़ में तेरे मुंह ते सुट दांगी। अब बरोबर बोली। ओहो टिमी जरा बाहर जाके देखी कौन है। मम्मा देख रहे हो ना मैं बिजी हूँ। टिमी ए अपना ना लेजी पर ना बाहर रखिया कर, जिस दिन मैं मर जावांगी ना तेनू चौथे ते मेरी याद आएगी, फिर जा जाके दरवाजा खोल। लता कुठे होतीस? अरे सासू भाई टपकली, देव पावला भाई सुटले भाई। हाँ हाँ मी रात्री पुरणपोली करणार, अच्छा चल मैं बाद में बात करती, काम पे पहुंच गई। जय महाराष्ट्र। शांति किन्नी छुट्टियां तू होर करेंगी? हाय बड़ी सोहनी लगती पई आज की अगे शिवाजी जयंती। नहीं मेरी सासू भाई ना। अच्छा शिवाजी जयंती का कीर्तन रखिया होना है? नहीं नहीं मेरी सासू भाई ऑफ हो गई। ऑफ हो गई मतलब तेरी सास कोई ट्यूबलाइट थोड़ी है जेडी ऑफ हो गई है? ओहो आंटी तुम कितना भोला है रे। अरे मेरी सासू भाई टपकली है। टपकली? अरे वही तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लता को बता रही थी कि वो मर गई और मैं रात को पूरन पोली बनाएगी। हाय मैं मर गई। अरे मैंने कल ट्वीट भी किया था, तुमने देखा नहीं क्या? ये देखो दिव्यांका त्रिपाठी ने तो खास करके मुझको फोन करके कांग्रेचुलेशंस भी बोला। ट्वीट कहता है सासू भाई ऑफ शांति बेखो ऑफ। राइम भी कितना करता है ना। जब मैं चांड मारांगी ना तेरी सारी हड्डियां राइम करंगियां। इतने तेरी सास मर गई है, सास माँ वर्गी होंदी है, तेरी माँ मर गई तो तू पूड़ियां तलनी पई है। तेरा सौरा मरा हुए, जेठ मरा हुए, दरानी या जठानी मरे हुए ना तो मैं चार बारी सोचांगी
किहो जी गल्ला कर रही है, जिस दिन तू सास बन जाएगी ना उस दिन तैनू पता चलेगी सास की कीमत। आंटी तुम साइंटी का एक हो रही है इतना, क्या तुम्हारी सास नहीं थी, तुम कभी बहू नहीं थी, जब वो मरी तो तुम्हारे मन में लड्डू फूटा या नहीं, बताओ सांग। हाँ ठीक है, चल जा, 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 जा के काम कर, किहो जी गल्ला च पै गई है तू, पकड़ी गई ना तुम। सुन वैसे डेथ हुई किस तरह? अरे वो तो बड़ी मस्त स्टोरी है, वो मैंने तो इंस्टा पे भी डाला था। वो क्या है ना कि मैं अपनी सासू बाई के साथ बैठ के अपना फेवरेट सीरियल माझे पति फक्त माझे देख रही थी। मेरी सासू बाई तो बेड पे बैठी थी क्योंकि उससे तो ज़्यादा चला नहीं जाता बुड्ढी जो हुई। तो क्या होता है ना, उसके अंदर ना रोहित सपना के पास वापस आ जाता है। तो यही बात मैंने अपनी सासू बाई को जाकर बताई, तो अई शपथ इतनी बड़ी उसने स्माइल दी ना। लेकिन जब सीरियल खत्म होता है ना तो मैंने जाकर सासू बाई को फटाफट बोली, मैंने कहा रोहित को रीटा से छुटकारा मिल गया और सपना के पास वापस आ गया। फिर लेकिन इसके बाद कुछ वो बोली नहीं, मैंने उसको ऐसे हिलाया जोर जोर की हिलाया और उसकी आंखें खुलीच की खुलीच रह गई, इतनी बड़ी मंजे ऑफ हो गई। अगा भाई आंटी तुम काय को इतना दुख मना रही है, मेरी सासू भाई अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते इच तो गई, मैंने तो उसके साथ सेल्फी भी लिया था जाते हुए। अच्छा चलो अब ये बताओ तुम क्या खाओगी आज, मैं तुम्हारे मतलब का खाना बनाएगी, कांदा पोहे नहीं बनाएगी। चल ठीक है, फिर तू इन्नी खुश हगी है तो इंज कर, आज पराठे बना दे घी वाले, रब वास्ते ओदे च कड़ी पत्ता ना पाई। हो जा जा बना, इसी बात पे एक सेल्फी तो बनती है। सासू गॉन पार्टी ऑन। अच्छा चलो ये बताओ तुम कैसे मरना चाहोगी? खस मारू खानी राब ना करे मैं मरा, जा जाके काम कर। सरला भैन जी तुसी की कर दो मरना चाहोगे? नरा मरन तुहाडे दुश्मन। दरअसल गाल ए अगी है, शांति दी सास मर गई है ते ओ ना अपना फेवरेट सीरियल देखदे हो मरी है। नहीं भैन जी गल ए हैगी है, जिहड़ी डेथ होनी चाहिए ना कलासी तरीके नाल होनी चाहिए, कोई चीप तरीका नहीं, नहीं ते तुहाडी या मेरी नूं नूं ना चार गल्लां करन दा मौका मिल जाएगा। जिवें जद मेरी सस मरी सी भैन जी बवा सीर नाल, असी सितारिये तक हसते रहे सी। भैन जी वैसे जद मैं मरा ना, मैं चाहनी हाँ कि मैं ना किट्टी दा हाउस जितो है मरा। सोचो नंबर आए 2121 ते मैं बोला यस, फिर भावें मैनू हार्ट अटैक भी हो जाए ना कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और की भरा जी तुहानू मालूम है स्क्रिप्ट च मेरा कैरेक्टर इन्ना इंटेंस है मैं तुहानू की दस्सां। मेरा वाली माता बेड़ा पार लगा दो। हेलो अलका पुत्र की हाल चाल, आ गई तैनू सस दी याद? एमबीए की है टिमी मीटिंग च ही होना है। हाय हाय हॉली बोल की हो गया, चुक लेगा फोन, केड़ा सुनामी आ गया उथे। नाले सुन जेड़े मैं कपड़े बाहर कट के आई सी सर्दियां दे उन्हां नू धूप लगा दिती है। हेलो हेलो खसमा नू खानी देखो प्राजी मेरे मुंह ते फोन कट दिता इन्हें। हरिओ हरिओ। तो आंटी क्या वो तुम्हारा गणेश चतुर्थी मनाएगी? मैं अलका दीदी के साथ में ही छे। वो तेरी मासी लगती है क्योंकि वो मेरी कॉम की है। किवें हो गई तू ठहरी मराठी ते ओ शादरा दी? मंजे आंटी वो बहु कॉम की है और जो भी हमारी कॉम की सिस्टर लोग को अटैक करेगा शांति शोले उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जय महाराष्ट्र। मैं ओनू नहीं छड़दी ते तैनू किवें छड़ दंगी? बहुत बढ़िया बहन जी बहुत बढ़िया। आंटी तुम जैसी सास को तो काय बोलते तेला हाँ नासा में छोड़ के आना चाहिए, नेशनल लेडी सास एसोसिएशन, सबको चांद पे पटक के आने का। ओथे ते मैं तैनू छट के आवांगी। आंटी तुमको ना शर्मिला और जया की माफी को होना चाहिए। ए शर्मिला टैगोर ते जया बच्चन एकदम बरोबर। आंटी उधर केन्स में ऐश्वर्या राय 25-25 किलो का गाउन पहन के घूमती है, क्या कभी जया बच्चन बीच में बोली नहीं ना करीना कपूर ने अपने बेटे के लिए मस्त नैनी रखा, क्या शर्मिला टैगोर ने उसको इंटरफेयर किया? नहीं ना, सास को ऐसा ही चोना मांगता। बेड़ा तरे तू केड़ी करीना कपूर अगी है या ऐश्वर्या राय बच्चन अगी है? शर्मिला टैगोर ते जया बच्चन दोनों बंगालन अगियां ने, ओ ते वैसे ही सब कोलो डर जांदे ने, लेकिन मैं अगियां पक्की पंजाबन, मैं किसी कोलो नहीं डरती, तैनू आनू ते मैं बिल्कुल नहीं छड्डांगी। आंटी बंगाली और मराठी में इतना ग्रेस होता है कि तुम पंजाबी लोग कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। ग्रेस ग्रेस दी गल्लां करनी पई है तू? मेरे चे तो भरा जी इन्नी ग्रेस हैगी भरा जी कि मेरे घर च तो क्रोकरी भी बोन चाइना दी हैगी है, मैं तुहानू करके दिखानी हाँ भरा जी।
Can you please pass me the cookies? Shanti, go make some tamarind tea. Auntie, cardamom. एक कोई गाल होंदी है। खसमानु खानी। प्राजी, मेरे कोल ते साउथ दिल्ली दिया जनानियां ग्रेस ते लेसन लैन आंदियां ने। भैन जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। आंटी, ये ना सब तुम्हारा एक्टिंग में समझती है। तुम वो सास है जो अपनी बहू की मुंह दिखाई का पैसा भी ना अपने इच बटुए में रखती है। वो ते ऐश वास्ते क्योंकि शादी दे सारे सगना वाले लिफाफे उन्हें अपनी मां नु फड़ा देते सी। भैन जी, मेरी नू ने भी आज तक कोई लिफाफा वापस नहीं दिता। लो दसो। ए अंकल, दीदी बहुत स्वीट है हां, उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुनेगी। नूआ दा ए एक रोना आ गए। बाहर वालियां दे नाल सब दे नाल स्वीट बांधिया ने ते घर दे सास सौरे दे नाल शुगर फ्री वाला व्यवहार। अरे देवा आंटी, तुम तो वो बिल्कुल सीरियल की सास के माफिक है जो अपनी मोटी कमर में चाबी दबा के रखती है और उसके बाद बहू को कमोली का बनने पे मजबूर कर देती है। सीरियल वाली सास, यही तो मेरा कैरेक्टर है। देखिया प्राजी, मैं कह रही सी ना मैं कितनी इंटेंस एक्टिंग करनी है, ये सब शांति करके यही मेरा टैलेंट पहचान सकती है। चल शांति, उन बुद्धि ठीक कर ले, हुन जाके तड़का लगा ले तू। ओ शांति बुद्धा, एक मिनट, ओ कड़ी पत्ता। ना ना प्राजी, आज ते एनु पान दियो, आज कड़ी बंदी पई है, पा ले। भैन जी, कनाडा च जड़ी मेरी भैन की है ना, ओदे मुंडे दा व्याह फिक्स हो गया है। हाई, लाख लाख बधाई। ओए कुड़ी कित्थों दी हैगी है? कोई कनाडा च कोई फेसबुक करके शहर हैगा है। अरे अंकल, एक बात बोलू, मेरे जो ताऊ का बेटा है ना, उसका भी प्यार फेसबुक पे ही हुआ था। हाँ, ओ, ये तुम्हारे लिए चीनी काम डाला। तेरा काम हो गया है? वैसे मैं दसा, टिमी दे पापा ते मैनू भी ना नजरां च ही प्यार हो गया सी। अरे आंटी, आजकल नजर से कुछ नहीं होता, आदमी को पूरा इच देखने का मांगता है। वैसे है शहर हैगा किधे हैगा? हाय प्राजी, तुसी किन्ने पोले हो गयो। प्राजी, फेसबुक ना इंटरनेट दी दुनिया दा अरे समाजी मंदर हैगा है। उत्थे लोकी फोटोआं पांदे ने, लड़दे ने, झगड़दे ने, निंदा चुगली करदे ने, कईआं दे ते रिश्ते भी हो जांदे ने। मैं ते कहनी हां तुसी अपना प्रोफाइल बनाओ उत्थे। हां अंकल आंटी, बिल्कुल ठीक बोली, तुमको भी सोशल मीडिया पे होना इच मांगता है। सिंगल है ना, अकेलापन दूर होगा। हां चलो, पहले प्राजी दा ईमेल अकाउंट बना। हो kishorilal@gmail.com। कितना थकेला अकाउंट है। हो गया, हो गया। चल हुन तुसी अपनी डेट ऑफ बर्थ मैनू दिखाओ। ऐ फड़ो मेरा आधार कार्ड। आजकल ते बिना आधार कार्ड ते बंदा मर भी नहीं सकदा है, ते फिर भी फेसबुक दा प्रोफाइल लगा है। चल शांति, डेट ऑफ बर्थ लिख। 14 फरवरी 1940। हाय मैं मर गई, वैलेंटाइन डे वाले दिन तुसी पैदा होए सी। हाय प्राजी, हुन सानू चाहिदी है तुहाडी प्रोफाइल पिक्चर। शांति खींच। चलो अंकल, अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, थोड़ा मुंह बनाओ ऊ करके, थोड़ा सा और। क्या सुंदर लग रहे, बिल्कुल एमबीए वाली हरकता। एक ही हो जे काम करांदी पई है प्राजी, कोई करन जो हर अगे ने जेडे टेडे मेडे मुंह बनानगे। प्राजी तुसी चंगी जी स्माइल दो ते सीधा मुंह रखो, खींच। मैं ना ब्यूटी फीचर से अब झुरियां हटा देगी, बहुत एक्सपर्ट है मैं। प्राजी हुन सानू चाहिए तुहाडी कवर फोटो। ले, ए, ए भड़। आंटी कितनी मस्त लग रही है। मेरी सब तो प्यारी चीज मेरी वाटी निर्मल, ऐसी फोटो बाद है। कितना इमोशनल है ना अंकल, ये रखो। हो गया निरुपर होए जी। प्राजी हुन सब तो इम्पोर्टेंट चीज, सानू कुछ अपने बारे च दसो। अंकल के बारे में मैं मस्त लिखेगी। अंकल, दिन में चाय, मंदिर में क्राय, कोई बात करे तो शाये शाये। हाय मैं सदके जावा, मेरी जावेद अख्तर। चपेड़ मारेंगी जे एहो जा कुछ लिखेगी, डिलीट कर। हाँ लिख, किशोरी लाल द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर फ्रॉम लाहौर, नाउ वर्किंग फॉर बेस्ट टीवी एक्ट्रेस पम्मी। ऐ ते बहुत वधिया गल हैगी है, मैं भैन जी का परसनल मनीष मल्होत्रा ही तो होगा। प्राजी हुन मैनू अपना फेवरेट कोट दसो। मैं तो कोट पाना ही नहीं। अरे अंकल के लिए मस्त वाला कोट मैं बताती है,
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बहुत वधिया, बहुत वधिया। तुम्हारी फेवरेट किताब? भगवत गीता। फेवरेट सिंगर? मोहम्मद रफी। फेवरेट फिल्म? मुगले आजम। हाय मालिका शरावत वाला। लो अंकल, तुम्हारा फेसबुक का प्रोफाइल खत्म हुआ। ये देखो, मस्त बनाया ना मैंने। बहुत बढ़िया। लेकिन है, कुछ कह रहे कशोरी, हाउ यू फीलिंग? तो अपडेट मारने का ना, लिखो फीलिंग जाकास विद शांति शोले। नहीं, तुसी लिखो फीलिंग बढ़िया विद पम्मी। नहीं, तुम वही लिखेगा जो मैंने बोला और साथ में हैशटैग जिंग 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 है। तूने तो बाहर निकल जा, तुसी फिर लिखो हैशटैग विद रबर पम्मी वर्सेस फीलिंग ऑसम विद पम्मी। नहीं अंकल, हैशटैग जिंग 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 है। आंटी, तुमको मालूम है कि ऊपर वाले माले पर एक गोरी मैम रहने को आई है। हाई जद में जवान होंदी सी ना, मेरा रंग बिल्कुल मलाई वर्गा आगा सी। कटरीना के पीछे काला चश्मा में डांस कर रही थी दीदी, नाम है रेचल। इट्स रेचल। हाँ, वही रेचल। ओह, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय बॉस, ही इज कमिंग टू इंडिया एंड ही वांट्स टू हैव लंच विद मी। मॉम, ही इज कंसीडरिंग मी फॉर प्रमोशन। हाय मुबारक हो पुत्र। लेकिन तू टॉम क्रूज की औलाद की में बन गया है। Because I'm practicing. He likes everything British and healthy. Can we please now decide the menu? ठीक है, कोई गाली। तो फिर मैं बटर चिकन, छोले भटूरे ते मीठे च मालपुआ ते मूंग दी दाल दा हलवा बनावांगी। तेरा बॉस इतना इंप्रेस होएगा, इतना इंप्रेस होएगा कि तेनू अपना ही बॉस रख लेगा। और की? अरे आंटी, हेल्दी फूड। मैं ऊपर वाली दीदी के घर पे भी ऐसे ही हेल्दी खाना बनाती है, ग्लूटेन फ्री, नाचोस एंड गुआकामोले। भाऊ, आजकल हुमस और पीटा ब्रेड बहुत चल रहा है मार्केट में। सच, मुंबई च ते इतनी हुमस उग गई है ना। अरे आंटी, हुमस मंजे चने की चटनी। तू छोले दी चटनी खिला सकनी है तो मैं छोले भटूरे नहीं खिला सकती। मॉम, कैन यू प्लीज चिल। शांति, आई गेस वी कैन हैव सुशी आल्सो। लंदन वाले शशि पेंजी भी नाल आ रहे ने। अरे आंटी, जब मछली को कच्चा खाते हैं उसको सुशी बोलते हैं। मेरे कार से कच्चा खाना कोई नहीं खाएगा। अरे आंटी, तुम 1970 में जी रही है, कच्चा मछली खाने से ताकत मिलती है। भाव, ऑनलाइन ऑर्डर करूँ क्या? यस, गुड आइडिया। भाव, चखने के साथ टिकाने में क्या चाहिए? ले ए जेड़ा सोफा में साउथ बॉम्बे तो लेकर आएंगे, उठे बैठे टिको ना। काई हेड़ी है। अरे आंटी, टिकाना मतलब गटगट। ओ तेंज बोलना, टिमी दे पापा दी स्कॉच पई हुई है, मैं ओदे च रू अफजा पाई सी, एनी कौड़ी आ गई सी, इकता सिप मैं लिता सी। मॉम, यू बीन हैविंग दैट स्कॉच? भाव, कभी कभी गम भुलाने के लिए पीना चाहिए, है ना आंटी? हाँ। वैसे किशोरीलाल अंकल के पास माउंटबेटन वाइन है, मस्त चढ़ती और पुरानी भी है, लेकर आऊं क्या? नॉट ए बैड आइडिया, गो गेट इट। तू छुप के किशोरीलाल प्राजी दी शराबा पीनी है? मैं छुप के कुछ नहीं करती, जो कुछ करती है खुल्लम खुल्ला करती है, और तुम जो पीती है उसका क्या? ओ मेरे खसम दे, पहला दी स्कॉच आ गई है, ओदे चे पूरा हक आगा मेरा। तो ये भी लेडी माउंटबेटन की वाइन है, इसमें पूरे देश का हक है। बॉस ने लंदन वाले मिश्रा को प्रमोशन दे दिया। अरे मेरा पुत, रुड़ जाना, मां मर जाए ओदी, जिंदगी च कोई जॉब ना मिले उन्हें। ये लो भाव, ये पियो। मेरे पुत्र का प्रमोशन कैंसल हो गया तो तू शराबा पिलानी पई है उन्हें। तो फिर कम भुलाने के लिए पियो, मेरा मरद भी पीता है। मां मर जाए तेरे मरद दी। अरे देवा, वो तो पहले ही चौप हो गई। बहन जी, मैं फ्रेम सेट कर दिता है, तुम दोनों होने शुरू हो जाओ। अरे देवा, सास बना सांप। आय हाय, कान खजूरी सास आ गई है, सांप ते तू आ गई है नागन। तो मैं हां डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो आहो आहो, तुसी सब कुछ कर सकदे हो, तुसी स्पॉट दादा भी आ गए हो। चल शांति, हुन तू मेरी फाइनल रिहर्सल करा, नाले गाल सुन, पूरे क्यू देई ते फीलिंग नाल करी। चल पम्मी, ओम पुरी जी दा आशीर्वाद ले ले, नाले पूरी नेचुरल एक्टिंग करी कन खजूरी दी। अरे आंटी, क्या टाइम पास कर रही है, लव कर करो ना। पहला रुक, मैनू एक्शन तो बोलन दियो। वेट, हां एक्शन। आज तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होके ही रहेगा कन खजूरी। ए आंटी, ये क्या खचखच कर रही है? आई मैं पूरी नेचुरल एक्टिंग करना चाहनी हां। मैं ना डिस्कवरी चैनल च वेखिया सी, कन खजूरे एहो जी आवाजा कढ़दे ने, मैं ते कहनी हां तू भी ना नागन बनी है ना, ते
ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚ ਰਹਿ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਕ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਜ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਨਖਜੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ ਤੋ ਤੂੰ ਮੁਝਸੇ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਕਸਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਿਸਟਰ ਨਾਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇਰ, ਨਾ ਹੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਂਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿੱਟੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਏ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਖਜੂਰੀ ਸੱਸ ਕਬ ਸੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੈਰੀ ਡਵੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ਼ਨ। ਆਜ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇਗਾ, ਨਾਗਮਣੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲਗਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ 101 ਟੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਗਨਾ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਜੀ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਿਸਟਰ ਨਾਗ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਨਾਗਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਏ ਆਂਟੀ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਏੜੀ ਹੈ ਰੇ, ਯੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਖਜੂਰੀ ਸਾਸ ਕਬ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂ ਸਾਂਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਨਖਜੂਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨਖਜੂਰਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਰਿਚਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਕਨਖਜੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੌਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨੀਮ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਰਨ ਕਨਖਜੂਰੀ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਟਾਕਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਨਖਜੂਰਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਟਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਗੱਜ ਗੱਜ ਮੰਜ ਕਾ ਏ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ। ਬੜੀ ਨੋਟੀ ਹੈ ਰੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਜੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ? ਚਲ ਅਬ ਫਿਰ ਸੇ ਕਰੇ। ਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਕੇ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਗਾਵਤ, ਤੂੰ ਨਾਗਮਣੀ ਮਾਝਾ ਖੜੂਨ ਗੇਵ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਦੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਪਥ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਈ ਤਰਮੀ। ਮੀ ਨਾਗਿਨ, ਤੂਜਾ ਅੱਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਟਕੇਲ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੂਜਾ ਟੰਗੜਿਆ ਭਾਜੀ ਪਾਵਤ ਘਲੂਨ ਖਾਈਨ, ਤੂਜਾ ਵਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਘਲੂਨ ਪੀਨ, ਚਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੇਰੀ ਨਾਗਿਨ ਮਰਾਠੀ ਹੈ। ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਜੇ ਜਾਣਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ? ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਮਾਡ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਮੇਂ ਹੀ ਤੋ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ। ਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਵਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੋਲੇ ਕੋ ਘੰਟਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਆਂਟੀ ਮੀ ਆਫੁਸ ਹੈ, ਆਫੁਸ ਤੁਮ ਹੋਗਾ ਪਿਲਪਿਲਾ ਪੇਰੂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਝੇ ਆਮ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਹੋ ਭਈਆ। ਵੈਸੇ ਮੋਮ, ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਡ ਲੋਟ ਆਫ ਫਨ ਐਟ ਦ ਸ਼ੂਟ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਟਿੱਬੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਸ ਫਰੈਸ਼ਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਮਲ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਪੋਟ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ। ਭਾਓ ਦੇਖੋ, ਆਂਟੀ ਤੁਮਕੋ ਕੈਸੇ ਟੌਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋ ਹਾਫੂਸ ਖਾ। ਥੈਂਕਸ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਟ। ਅਰੇ ਆਂਟੀ, ਤੁਮਨੇ ਵੋ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਕਾ ਕੋਸਟਿਊਮ ਪਹਿਨਾ? ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਸਾਚੇ ਤੇ ਡੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਡੋਨਾਟੇਲ ਹੈ ਵਰਸਾਚੇ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੀ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਬਹਿੰਦੀ ਗਈ ਬਹਿੰਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਓਮਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਓਮਪੁਰੀ ਸੇ? ਆਂਟੀ ਤੁਮਨੇ ਕਬ ਓਮਪੁਰੀ ਸੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਾ? ਵੋ ਤੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਫ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰਾਂਗੀ।
मैं ओम पुरी जी को इंज एक्टिंग सीखी जिवे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सीखी सी। Hashtag fail. Hashtag खसमा नुखानी. वैसे मॉम, looks like you had lot of fun. हाय टिम्मी पुत्र, एना फन तो तेरे प्यो ने नहीं कभी मैनू कराया जिन्ना मैनू शूट करके आया। सच फिर ना एपिसोड च ना कन खजूरी सास ना नागन नू ना इंज टंग बढ़ दी। बस बस आंटी, इतना स्पॉइलर आज ही दे दोगी क्या? तुम्हारा शो कोई गेम ऑफ थ्रोन से कम थोड़ी है ना भाऊ? चलो आंटी, तुम्हारे कैरेक्टर का प्रोमो बनाते हैं पब्लिसिटी के लिए। लग रही हूँ ना? हाँ, चल। KKS यानी खबसूरत कन खजूरी सास, ओदा आतंक पूरे शहर च फैल चुका है। नागन दा बचना हुन नामुमकिन होगा है। कन खजूरी सास आ रही है तुहाडे कार च मंगलवार राती, देखना ना भूलना। ठीक लग रही हो? वाह आंटी, तुम तो बिल्कुल वन टेक आर्टिस्ट है। हा? डायरेक्टर भी यही कहता पिया सी सुधा चंद्रन भी 4-5 टेक लेंदी है, तुसी बेस्ट हो गयो। अच्छा गावत आंटी, ऐसे सीनियर एक्टर का नाम नहीं लेने का। हाय मैं मर गई। Hashtag पम्मी की वाट लागली। आंटी आंटी, अरे तुम इतना नर्वस काहे को हो रही है? अरे मैंने तुम्हारा इंटरनेट पे इतना प्रमोशन किया है, कल को तुम्हारा सीरियल फ्लॉप भी हो गया ना तो भी तुम इंटरनेट की दुनिया की केयर की बन के ही रहोगी। फिटे मुँह तेरे, जद भी गाल करनी है बकवास ही करनी है। तेनु होश भी हैगी उथे दिल्ली च मेरी सारी फ्रेंड्स ने टीवी दे अग्गे बह जाना है। मंदर वाली किट्टी, चौथे वाली किट्टी, पंजाबी बाग दी किट्टी, सारी जनानियां ने मेरा शो वेखना है। गला करनी पई है तू? भैन जी तुसी घबराओ ना। मम्मा रिलैक्स, ब्रीथ, यू गोना बी अमेजिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो प्राची गदर मचा देना है। तू देखना इस साल का समिता पाटिल अवार्ड मैनू ही जाना है। That's the spirit. Yo, mama, go. आंटी, अब मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेगी। मामा आपका सीन आ गया। ए, हट जाओ साइड पे, हट जाओ। ए लता, लवकर टीवी लाओ, माझा आंटी ला टीवी पर बग। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, महादेव की सौगंध। अरे देखो आंटी तुम, और मेरा मेहंदी रंग वाला कॉस्ट्यूम बहन जी कितना सोना लग रहा है। प्राची हल्ले मेरा फ्रंटल शॉट देखना, करीना कपूर भी शर्मा जाएगी। कन खजूरी, नागमणि तो तू मुझसे छुड़वा नहीं पाएगी। ए हल्ले तक मैनू दिखांदे क्यों नहीं पाए? उत्थे ते मेरे अग्गे पिछे 150 कैमरे लाए हुए सी। इंज शॉट दियो, इंज शॉट दियो। आज तेरा कोई जादू मेरे ते नहीं चलेगा नागिन। आई शपथ, क्या मस्त इफेक्ट है ना आंटी, तुम तो कन खजूरी सास बन गई। तुम तो कहती थी कि शोभा आंटी तुम्हारी बचपन की सहेली है, अब क्या हुआ? ठीक, फुट पास्ट टेंस हो गई है। टीमी हुन दिल्ली च मेरी की इज्जत रह जाएगी। हांडा भैन जी ते तेरी सास नू मौका मिल जाना मेरा मजाक उड़ान दा। भैन जी बिल्कुल सही कह रहे ने, बहुत बुरा होया। आई शपथ आंटी, तुम तो इंटरनेट सेंसेशन बन गई है, तुम्हारा टीवी डेब्यू प्रमोशन ट्रेलर पे 2 मिलियन व्यू आ गए हैं। तू चुप कर जा, मैंने टीवी एक्ट्रेस बनना सी, पार जगह है तेरा इंटरनेट। तेरा वर्जन से
तुम्हारा फैन कॉल होगा। ऐसे मेरी नेशनल टेलीविजन से बेइज्जती हो गई है, तू हले भी मजाक करनी पई है। बात तो कर ले। हेलो, इट्स एकता कपूर हियर। कौन एकता कपूर? एकता कपूर? शोभा जी बेटी,